है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। हम बहुत थक गए थे, बड़ी व्यू देख के नींद खुल गई एकदम। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ से भी। पटरी है, अभी हम भी ट्रेन में बस बैठने ही वाले हैं। आ रही है ट्रेन। गाइस ये थी एकदम छोटी सी प्यारी सी ट्रेन थी, खाली 10 rupees की टिकट की प्राइस थी। पूरा अंदर तक तो नहीं पहुंचाते हैं, ये थोड़ा हाफ वे तक पहुंचाते हैं एलिफेंटा केव्स में। ये एलिफेंटा केव्स काफ़ी अंदर है, पर ये ट्रेन थोड़ा आधा रास्ता हमको पहुंचा देती है, तो काफ़ी अपना मज़ा बाकी है। छोटे छोटे मोटे शॉप्स हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। गाइस अभी हम एंटर हो रहे हैं एलिफेंटा आइलैंड में, और यहाँ पे देखो ये मिलता है सैंडविच, मतलब सैंड चुड़ैल। बहुत अनोखी अनोखी चीज़ें मिलती है वैसे यहाँ पे। गाइस ये सीन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसने भी यहाँ से बॉटल छीनी और पानी। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, शोपीस, बच्चों के खिलौने, लेडीज़ मेकअप, जेंट्स का अब तक कुछ दिखा नहीं है, बस यही दिखा है। बहुत प्यारा ये एक मॉल की तरह ही बना हुआ है, छोटी छोटी दुकानें रोड साइड मॉल। बस ऊपर 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 चढ़ाई में ऐसे नई नई दुकानें। ये वाला देखो कितना प्यारा बना हुआ है। नहीं नहीं गाइस ये वेदर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसे पत्थर हैं तो पूरा ऐसे कलर का हो गया। काफी एंशियंट चीजें ही पड़ी है। फाइनली गाइस हमको 1 घंटा लग गया, मार्केट इतनी बड़ी थी, और यहाँ से एलिफेंटा केव्स की एंट्री है। तो गाइस बहुत मजा आया, पर थक बहुत गए, मतलब पूरे पैर टूट गए, हाथ टूट गए, पर मजा काफी है। वॉकिंग ही बहुत है बस। अभी हम मरीन जाएंगे गेटवे के बाद, और मैं पहली बार जाऊंगी, बहुत एक्साइटेड। ये साली उल्लासनगर में रहने के लायक नहीं, पहली बार मरीन ड्राइव जा रही है। प्यारा सा सनसेट, प्यारा सा ब्लॉगर। ये देखो गाइस अभी ये रिटर्न में जब ये मारे थे तो ट्रेन खराब थी, तो हमको पैदल ही आना पड़ा। तो गाइस एंड हो रहा है कच्ची कैरी से। कच्ची कैरी वाह सो टेस्टी। अब मरीन ड्राइव दे रहे हैं, नहीं दे नहीं रहे हैं, मरीन ड्राइव जा रहे हैं। लास्ट का वीडियो देखना, उधर बहुत मजा करेंगे। अभी फिर से हम बोट में जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए। देखो बर्ड्स देखो, वाओ वाओ सीन वाओ। अरे हाथ में नहीं, चोंच में। सुंदर नजारा किधर होगा, ये आपको फॉलो कर रहे हैं।
कितना व्यू था यार, दिन का हमारा दिन बन गया ये देख के। दिवाली गाइस, मजा नहीं लाइव। तो गाइस ये दिवाली की रात है हमारी मुंबई में, और आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा मजा आ रहा है। मैं आपको ताज होटल दिखाता हूँ कितना ज्यादा शाइन कर रहे हैं। इन्होंने बॉम्बे को एकदम सजा के ही रखा है, मतलब दिवाली के लाइट इतना मस्त। और ये नाइट व्यू देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया। और गाइस दिवाली के दिन आप एक बार बॉम्बे का ताज होटल देखिए, और पूरा ही बॉम्बे एकदम लाइट में जगमगा रहा है। एक बार गेटवे ऑफ इंडिया भी दिखाता हूँ, नाइट व्यू देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आंखों के लिए जन्नत है सामने से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, बिना मत जाना। मुंबई की नहीं इलेक्ट्रॉनिक बस है, एसी बस है, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें बैठने में, पहली बार नया एक्सपीरियंस है। अभी थोड़ा खाना पीना हो जाए, सुबह से काफी कम हुआ है। हवा बहुत मस्त चल रही है, मरीन ड्राइव में रात को जो चलती है, और इधर पूरा दिवाली का सजावट है, स्टार्ट होने वाली है। चलो सो जाते हैं, गुड नाइट। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इधर बारिश पड़ गई, और देखो पूरा मरीन ड्राइव खाली हो गया। ये एंडिंग हुई है बारिश से, मुंबई की बारिश, वो भी दिवाली के दिन पे। हैप्पी दिवाली गाइस, ये बारिश वाली हैप्पी दिवाली। ब्लॉग की एंडिंग बहुत अजीब ही हो रही है, अचल से इतनी तेज बारिश यहाँ से पड़ गई। हाँ हमारा दिन भी बहुत अजीब हो गया, क्योंकि हमने फटाके सोचे थे, लाइटिंग भी काफी अच्छी थी इधर पर, फटाखा दूर का तेरी गलती है सर, तेरी वजह गलती है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के बिना मत जाना, सब्सक्राइब। बाय 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 बाय।